हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे आपको पता था कि आज रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो पहले है यहाँ पे, पहले आप है यहाँ पर आ सकते हैं, आप यूसी ब्राउज़र खोलें, यूसी ब्राउज़र में डाउनलोड करें सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद पहले स्टेप पर आएँ यहाँ पर, ठीक है। पहले स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर दिखेगा आपका रिजल्ट का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी जोन की अलग अलग जोन वाइज ये दे रखा है इन्होंने रिजल्ट को। अहमदाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई, पटना, भोपाल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलासपुर जो जोन था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। बिलासपुर जो जोन था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। इस पर जैसे मैं आप क्लिक करते हैं तो बिलासपुर जो जोन का है वो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं 3700 3468। टोटल जो क्वालिफाइड जो हैं वो 3700 3468 हैं और आज ही डेट में है, ठीक है। रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी जिस लगातार कंटिन्यूस होते चलेंगे, फिर वाते बाद यहाँ पर कट ऑफ भी दिखाई जाएगी। फिलहाल अभी लगातार जॉइन वाइज आते चल रहे हैं, ठीक है। ओले ओले लगातार कंटिन्यूस स्टार्ट हो चुको है आने। और यहाँ पर आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना इंटरफेस खोलेंगे, जैसे आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। 13 811 59 912, ठीक है। इस तरीके से आप अपना इंटरफेस भी देख सकते हैं। 04 ठीक है, 04 04 1997, ठीक है। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे आपका स्कोर कार्ड, तुरंत के तुरंत आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।